ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड एलडीए सेक्टर एम स्थित चिरंजीव भारती स्कूल के प्रांगण में उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति की ओर से बड़े धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने एक साथ योगा किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर एके सिंह, चिरंजीव भारती स्कूल के प्रबंध निदेशक कर्नल राजा, पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। चिरंजीव भारती स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का शुभारंभ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता व चिरंजीव भारती स्कूल के प्रबंध निदेशक कर्नल राजा ने उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर उत्तर प्रदेश योग समिति के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप सिंह गौर ने जीवन में योग के महत्व को बताया और ये भी बताया कि कौन से योगासन किन किन बीमारियों में लाभदायक है। उन्होंने बताया कि योगासन योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। योगासन शारीरिक अभ्यास होते हैं जिनमें विभिन्न शारीरिक स्थितियां और प्राणायाम की तकनीकें शामिल होती हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक तनाव को कम किया जाता है और शारीरिक लक्षणों को ठीक किया जाता है। योग संस्कृत का शब्द है लेकिन जैसे जैसे ये अन्य देशों में फैलता गया इसके नाम में भी बदलाव होते गए। जैसे पश्चिम में जाने से योग बन गया योगा। भारत को जरूर योग का जनक कहलाया जाता है लेकिन साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब पूरा विश्व इस दिन को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर संदीप सिंह गौर ने बड़ी संख्या में उपस्थित जनों को योगासन कराया। इस अवसर पर चिरंजीव भारती स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी योगासन किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के प्रांतीय महासचिव ओम प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज योग को पूरी दुनिया अपना रही है, योग के महत्व को समझने का प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग का प्रचार प्रसार करने वाले गणमान्य लोगों सहित योगाचार्य एवं समाजसेवियों को सम्मानित भी किया। मौके पर चिरंजीव भारती स्कूल के छात्र आदित्य कुमार तथा छात्रा आस्था पाठक को भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए चयन होने पर उत्तर प्रदेश आदर्श आयोग समिति की ओर से सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर चिरंजीव भारती स्कूल के प्रबंध निदेशक कर्नल राजा ने योग को जीवन में बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि योग विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम करती है। योग मन मस्तिष्क को संतुलित कर हमें ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ योग एवं खेल कूद के प्रति प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है जिसका योग एवं योगासन एक सरल उपाय है। चिरंजीव भारती स्कूल में आदर्श योग समिति की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कराया गया है। लोगों ने संकल्प लिया है, करो योग रहो निरोग। इसी क्रम में ब्रिगेडियर एके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शिरकत किए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चिरंजीव भारती को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये प्रधान नायक का जो एक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आशियाना जैसे लोकेलिटी में योग का मतलब है जैसे एकजुट होना, एक साथ रहना। तो चिरंजीव भारती ने सब लोगों को एकजुट कर जो प्रधान नायक का जो संदेश है, देखिए प्रधानमंत्री ने जब ये योग दिवस का संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में जब दिया था, वो विश्व को अपने हमारे भारत देश की ओर आकर्षित करने के साथ साथ हमारे देश के मूलवासी निवासियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इंडिया से भारत की ओर लौट आओ, मतलब भारत अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ से जुड़ो। तो योग ये जो एक अपने जड़ से जुड़ने का जो हमको
प्रेरणा देता है और आज चिरंजीव भारती ने उस उद्देश्य को मूल रूप से कायम किया है और मैं इन सब कल राजा को और चिरंजीव भारती के सारे स्टाफ को इस चीज़ को बधाई देता हूँ। और आज यहाँ आके जो सबसे मुझे खुशी हुई कि देखा कि दो बच्चे यहाँ पर एनडीए की परीक्षा में, एक ऑलरेडी ऑफिसर की ट्रेनिंग एनडीए में ले रहा है, एक 1 जुलाई में जा रहा है। ये दिखाता है कि चिरंजीव भारती जो हो सकता है बड़े बड़े स्कूल के नामों में नहीं हो, लेकिन ये बच्चों की एक जड़ को मजबूत कर देश की सेवा के लिए जो छात्र तैयार कर रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। तो मैं स्कूल के सभी स्टाफ को इस चीज़ में बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे उच्च कोटि के छात्र को निर्माण करते रहें। कहते हैं जैसे माता देश की निर्माता है, वैसे स्कूल भी देश के भविष्य का और देश में अच्छे अच्छे योद्धाओं का, टीचर का देने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। धन्यवाद। इसी क्रम में आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं आदर्श योग समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी यहां मौजूद हैं और जिनके नेतृत्व में शानदार ढंग से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चिरंजीव भारती स्कूल में मनाया गया है। सर, क्या कहना चाहते हैं आज इस अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह गौड़ जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में और कर्नल राजा साहब के मुख्य अतिथि और ब्रिगेडियर साहब के सानिध्य में आज यहाँ पर योग का कार्यक्रम हुआ है। हम सब लोगों ने आज योग का अभ्यास किया है और हम सबका ये कर्तव्य है कि पूरे देश को अगर स्वच्छ बनाना है तो अपने जीवन में योग को अपनाना है। इस सोच के साथ में योग को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत स्वस्थ हो, समाज हमारा स्वस्थ हो, तो हमें अपने बच्चों को स्वस्थ रखना होगा। हमें अपने बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही योग की शिक्षा देनी होगी। यदि वो लोग शुरू से योग करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। आदर्श योग को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए, तमाम बुजुर्ग शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई और सबके सहयोग से आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, यहाँ पे भव्य कार्यक्रम चिरंजीव भारती स्कूल में किया गया। इसी क्रम में संदीप जी हैं और यहाँ पर लोगों को योगाभ्यास कराया है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? योग हमको छोड़ता है, सबसे बड़ा जो योग का कार्य है कि शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग किसी से मतलब नहीं रखते हैं और जो पार्कों में हम योग क्लास चलाते हैं उनके माध्यम से लोग जुड़ते हैं तो कई घर ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं, सिर्फ सीनियर सिटीजन बचे हैं, उन पार्कों में जुड़े रहते हैं हमारे साथ। उनकी कोई भी समस्या हो तो उनको एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है। योग का जो एक ऐसा लाभ है जो शरीर से नहीं अलग से मिल रहा है, समाज से मिल रहा है, ये लाभ हुआ। दूसरा, योग के इतने लाभ हैं, अनंत लाभ हैं कि शायद शब्दों में नहीं बताए जा सकते। एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य योग करता है और समाज में 90% लोग आपको जो शरीर से ठीक दिखेंगे वो भी बीमार हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम, कोई बहुत जल्दी रोने लगता है, कोई बहुत जल्दी हंसने लगता है, बहुत जल्दी उनमें समन्वय नहीं है, समता नहीं है किसी चीज़ की। योग क्या करता है, उनको भी बैलेंस करता है कि बहुत जल्दी आपको गुस्सा ना आए, बहुत जल्दी आप उस तरह से अग्रेसिव ना हो जाएं कुछ कर बैठें। तो जब आप योग करते हैं तो आप बैलेंस में आते हैं, सबसे बड़ा लाभ योग का। बाकी शरीर के तो सभी अंगों में योग लाभ करता है, प्रत्येक योग का अलग एक लाभ है। आप कपालभाति करें तो आपका मस्तक शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे और आपका पेट ठीक रहेगा। इसी प्रकार से श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए आपकी भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम आपके मस्तिष्क को बहुत अच्छा तरोताजा करता है। सारे प्राणायाम, इनकी इतनी बड़ी श्रृंखला है कि हमारे ऋषियों मुनियों की दी हुई एक बहुत बड़ी परंपरा है और धन्यवाद करेंगे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिसको दुनिया में पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। हमारे ऋषियों की परंपरा को आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देश आज एक समय पर योग दिवस को मना रहे थे, ये बहुत बड़ा गौरवशाली विषय हमारे भारत के लिए है। और हमारे कर्नल साहब जिनकी प्रेरणा से आज ये योग का कार्यक्रम यहाँ हो पाया, चिरंजीव भारती स्कूल जो कि एक ऐसा स्कूल है जो समाज में वो कार्य कर रहा है जो बच्चों को हम नहीं करते। अंग्रेजी तो हम बहुत सिखा रहे हैं, एडवांस बना रहे हैं, लेकिन संस्कार के साथ एडवांस बनाना चिरंजीव भारती विद्यालय का काम है। सेना में बच्चों को तैयार करना चिरंजीव भारती विद्यालय का काम है। समाज में बुजुर्ग होने के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाना ये चिरंजीव भारती स्कूल सिखा रहा है। और इस विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, हमारे अंग्रेजी इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं लेकिन माता जी को यार कह के बुला रहे हैं, पिताजी को यार कह के बुला रहे हैं, अरे ये सब क्या है? ऐसा एक अच्छा विद्यालय है जो शिक्षा देता है, क्योंकि हमने सुना योग का कार्यक्रम चलता है और जहाँ पर योग का कार्यक्रम चलेगा वहाँ बच्चे अपने आप ही संस्कारी हो जाएंगे। बस यही थी। मैं कर्नल राजा, निदेशक चिरंजीव भारती स्कूल। आज हमारा
विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। जैसा योग के बारे में हम सभी को पता है, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, योग समाज को जोड़ता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हम सभी को स्वस्थ रखता है। जैसा कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के बारे में जागरूक किया और जिसमें आज योग का विश्व गुरु भारत को गौरव प्रदान हुआ। मैं इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय योग शिक्षा स्पोर्ट्स सभी को समन्वित करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे डिसिप्लिन हैं, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्होंने क्लास 10th और 12th में इस साल उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है और हमारे बच्चों में ये प्रेरणा देता है कि वो आगे सेना में IAS, PCS, NEET और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हों और अपने मुकाम को हासिल करें। हमारे इसी क्रम में आस्था पाठक जो NDA पायलट पद के लिए चयनित हुई हैं, 1 जुलाई को जा रही हैं। इसके पहले वाले बैच में मिस्टर आदित्य कुमार जो NDA पायलट के लिए ही सेलेक्ट हुए थे, वो आज बंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा स्कूल हमारे बच्चों को इसी प्रकार ट्रेन करता रहेगा और इसी संबंध में इस साल हमारे 25 बच्चों ने NDA के लिए फॉर्म भरे हैं, जिसका फॉर्म का भरने का पूरा एक्सपेंडिचर जो भारतीय स्कूल उठाता है, हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।